बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम ख़बरों के साथ मैं हूं ईमान फातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़ियात से बखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुलाज़मीन को ईद उल फितर की कितनी छुट्टियां मिलेंगी? कुवैत के माहिर फलकियात के मुताबिक इस साल रमज़ान अल मुबारक अपने दिन रोज़े पूरे करेगा, जिसकी वजह से ईद उल फितर की 9 छुट्टियां होंगी। कुवैत में माहरीन और फलकियात सेंटर ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तफाक़ किया है कि इस साल माह रमज़ान में 30 रोज़े पूरे होंगे, जिसके मुताबिक ईद उल फितर का पहला दिन पीर 2 मई को होगा। इन औकात की बुनियाद पर जुम्मा 29 अप्रैल से 7 मई रोज़ हफ्ता तक ईद की छुट्टियां 9 दिन की होंगी। इतवार 1 मई से 4 अप्रैल तक आम तातीलात होंगी, जबकि जुमरात 5 मई को भी छुट्टी का दिन शुमार किया जाएगा, क्योंकि वो 2 तातीलात के दरमियान आता है। ताहम खात्मी फैसला ईद उल फितर का चाँद नज़र आने पर ही मुनहसर है। याद रहे कि कुवैत के कानून के मुताबिक जुम्मा और हफ्ता के अलावा 2 तातीलात के बाद आने वाला दिन भी छुट्टी में तसव्वुर किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।